टाइजिन इंडियन में आपका पुनः स्वागत है। और आज क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, पर्यटक स्थलों पर जाकर जैसे मैं आपको आमतौर पर दिखाता हूँ वो अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक नई पहल की जाए कि मैं आपको अपने अनुभव जो मेरे जापान में रहे उसके बारे में आपको बताऊं। और हाल फिलहाल एक ऐसा अनुभव मेरे साथ हुआ भी, यहाँ से लगभग जहाँ मैं रहता हूँ वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक कोस्को नाम की एक स्टोर है, एक सुपर स्टोर है कोस्को नाम का, COSTCO। इंडिया में शायद अभी नहीं आया है लेकिन शायद जल्दी आ जाएगा। ग्रीक योगर्ट वहीं बड़े अच्छी क्वालिटी का मिलता है, उसी तरह आम मैंगो जो है वहीं पे अच्छा मिलता है। खैर, तो मुझे वहां जाना ही होता है, लगभग हर 2 हफ्ते में एक ट्रिप में लगाता हूँ और आमतौर पर मैं ट्रेन यूज करता हूँ, लेकिन पिछले बुधवार को मुझे लगा कि यार छुट्टी भी है और क्यों ना पैदल चल रहे, और मुझे पैदल चलने का शौक है, जो मेरे यार दोस्त हैं वो इस बात को जानते हैं। तो मैंने गूगल मैप्स पे डाला और दोपहर को 1 बजे लगभग 34-35 डिग्री टेम्परेचर था, 34-35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और 1 बजे मैं चल दिया और 4 घंटे का वो वॉक टोटल होना था, गूगल मैप्स ने जो दिखाया 4 घंटे में 20 किलोमीटर, ठीक है 5 बजे पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैंने एक चीज़ अंडर एस्टिमेट की कि यूजुअली मैं शाम को या रात को चलता हूँ तो वो थोड़ी थकान कम होती है। दूसरी चीज़ ये कि जो बैग मैं लेकर गया था अपना सामान लाने के लिए, उसमें मैंने सिर्फ 2 पानी की बोतलें डाली, 500-500 ml की स्पार्कलिंग वाटर की, तो मुझे लगा कि ठीक है इतना हो जाएगा। लेकिन लगभग करीब 4-5 किलोमीटर के अंदर चलते चलते ही इतना ज़्यादा वाटर लॉस हुआ कि वो दोनों बोतलें मैं पी गया और मेरे पास पानी रहा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यू रखा। अब बीच में एक ऐसा पैच आता है जहाँ पर सिर्फ कंपनियां हैं, लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, और कुछ वहाँ आबादी नहीं है, कुछ लोग नहीं है, कोई पानी की वेंडिंग मशीन नहीं है। मुझे लगा कि कोई वेंडिंग मशीन तो होगी क्योंकि जापान में वेंडिंग मशीन पर कैपिटा दुनिया में सबसे ज्यादा है, पर कैपिटा भी सबसे ज्यादा है और वैसे भी मतलब प्योर नंबर्स देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन है। आप कहीं पर भी चले जाइए जहां लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां पे आपको एक वेंडिंग मशीन जरूर मिल जाएगी। लेकिन वो जो पैच था लगभग 7-8 किलोमीटर का जो एक पैच बीच में पड़ा, वहां पे कोई वेंडिंग मशीन नहीं, और जो वॉकवे है उसी पे आपको चलते जाना है, और वो बहुत ज्यादा यूज वॉकवे नहीं है। कुछ वॉकवे ऐसे होते हैं, चलने के रास्ते ऐसे होते हैं जहां पर आमदोरफ्त ज्यादा होती है, लोग आते जाते हैं, लेकिन कोई भी इस रास्ते पर नहीं चला था, तो उस वॉकवे के ऊपर कोई भी वेंडिंग मशीन नहीं है। और मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी चलते चलते कि लगभग 12-13 किलोमीटर चलने के बाद मुझे लगा कि नहीं, पानी मुझे चाहिए चाहिए, क्योंकि खाने के बिना काम चल जाता है, आई कैन मैनेज, लेकिन पानी तो मुझे चाहिए, वो भी इतनी ज्यादा धूप में। और जो मेरा सनस्क्रीन था वो सब उड़ चुका था, आपको पता है कि अगर आप SPF 50 भी लगाते हैं तो 50 मिनट के बाद वो भी उड़ जाता है। तो खैर, अब वहां पे एक दुविधा में पड़ गया कि अब क्या करूं, और अल्टीमेटली एक मुझे लगा कि एक लॉजिस्टिक्स के जो सेंटर्स होते हैं, जो ये बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स कंपनीज होती हैं जैसे DHL और ये सब, तो वैसे ही एक जापान की लॉजिस्टिक्स कंपनी है, वहां पे मुझे कुछ लोग दिखाई दिए, 2 लोग दिखाई दिए, तो मुझे जितनी भी जापानीज आती है, सुईमासेन, प्लीज, हेलो हेलो, मैं आवाजें मार रहा हूँ लेकिन उन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि वो गैप काफी ज्यादा, डिस्टेंस काफी ज्यादा थी, और उनके गेट के ऊपर मैं खड़ा हुआ, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ यहाँ मिल जाएगा क्योंकि लोग काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पानी और टॉयलेट ये सब तो होते ही। अल्टीमेटली एक आदमी जो इस तरफ आ रहा था बाहर गेट की तरफ, उसने मेरी आवाज सुनी और मैंने उसको अपनी टूटी फूटी जापानीज में समझाया कि मुझे पानी चाहिए, यहाँ कोई पानी अगर आप दे सके, ये वाटर बॉटल में आप डाल के दे सके, और उन्होंने बताया कि नहीं यहाँ पर कोई ऐसा पानी का सोर्स नहीं है। मैंने उनसे पूछा वेंडिंग मशीन कोई आसपास है, मैं पैसे डालूं और मुझे कोई कोई भी ड्रिंक मिल जाए, आमतौर पे मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स कोका कोला और ये सब पीता नहीं, बट वो डेस्परेशन था कि कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, सूप मिल जाए, और उन्होंने कहा नहीं ऐसा ऐसा यहाँ आसपास तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैंने पूछा कि मुझे तो कोस्को जाना है, लगभग यहाँ से 7 किलोमीटर दूर और आगे है, तो कोई वेंडिंग मशीन यहाँ से थोड़ा सा आगे पीछे हो, आप यहाँ काम करते हो, उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। अल्टीमेटली मैं वहां पे बैठ गया और मैंने कहा कि नहीं प्लीज आप मुझे मेरे पानी का अरेंजमेंट आप कीजिए, तो उन्होंने रिलेक्टेंटली, मैंने आगे वो वाटर बॉटल जो थी मेरी बढ़ा दी, उन्होंने उसको ले लिया रिलेक्टेंटली और वो अंदर चले गए, और लगभग 5-6 मिनट बाद में वो एक 500 ml की जो नॉर्मल वाटर बॉटल होती है, मिनरल वाटर, वो लेके आ गए और उन्होंने कहा कि आप ये ले लीजिए,
और मैंने उनसे कहा ओकाने यानी कि पैसे, इसको ये जापान में पैसा, पैसा का अगर आपको सिंपल बताना है, अगर आपको जापनीज नहीं आती है तो इसका मतलब होता है पैसा, ये पैसा होता है मनी। तो मैंने उनसे पूछा ओकाने आपके, क्योंकि मुझे लगा कि ये वेंडिंग मशीन से लेके आए हैं ठंडा, ये अंदर कुछ होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। और उन्होंने बताया कि लगभग 5 किलोमीटर दूर आगे जाके एक रेलवे स्टेशन होगा, तो उसके अंदर आप घुसेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वेंडिंग मशीन में पानी वानी कुछ मिल जाएगा। तो इस तरह फिर मेरी जान बची, मैंने कुछ रुमाल उसके भुगोया पानी से, उसको अपने गले में डाला ताकि हाइड्रेशन होता रहे शरीर का, और कुछ पी लिया और कुछ को बचा लिया। और फिर कोस्को में पहुंचने के बाद में मुझे इतनी ज़्यादा एग्जर्शन हो गई थी, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि आप लगाइए कि 20 किलोमीटर चलना, और उसमें भी कुछ रास्ते ऐसे थे जो कि मुझे मतलब सीधे नहीं जाना था, उल्टा मुड़ उड़ के ऊपर जाके नीचे आके, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। लेकिन लकीली वहाँ पे खाने के सैंपल्स बहुत मिलते हैं, केक्स और फ्रूट्स, तो उससे कुछ मेरा काम चला। और फिर मैंने अपनी शॉपिंग की, और फिर जो सोफा सेक्शन था, फर्नीचर सेक्शन, वहाँ पे जाके मैं बैठ गया, और लगभग आधा घंटा मैं वहाँ बैठा रहा, तब जाके मेरे शरीर में कुछ जान आई। गर्दन पे, हाथों पे, पैरों पे नमक जम गया था, शरीर के अंदर से नमक आता है, लिटरली नमक, और वो विजिबल था। वो कॉस्को का मैंने पिज्जा खाया, मार्गरीटा, और 5-6 साल बाद पहली बार मैंने लगभग 1.5 लीटर माउंटेन ड्यू पिया। उसके बाद रिकवरी हुई, 1-1.5 घंटा आराम किया, और 8 बजे के करीब जब वो बंद होता है कॉस्को, तो फिर वहां से मैं निकला। लेकिन वापस निकलते समय इतनी हिम्मत नहीं थी कि वापस 20 किलोमीटर में चल पाऊंगा, और इस बार तो सामान भरा हुआ था, 4 किलो दही था, योगर्ट था, और 6 किलो के आसपास आम थे, उसको लादे हुए चलना बहुत मुश्किल था, लगभग नामुमकिन था। तो फिर मैंने देखा गूगल मैप्स पे, तो मुझे सिर्फ 5 किलोमीटर वापस चलना पड़ा, तो लगभग 26 किलोमीटर में टोटल चला उस दिन, और बाकी का सफर मैंने ट्रेन से ही तय किया। अगर आप ऐसे ही और जापान के मेरे अनुभवों के किस्से सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। सुनने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऑफ कोर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे मुलाकात होगी अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।